हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान है नगर निगम कोटा दक्षिण प्रतिपक्ष नेता श्री विवेक राजवंशी जी। विवेक राजवंशी जी से हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, ये कब से इनकी शिक्षा कहाँ से हुई और किस तरह ये छात्र राजनीति जीवन से संघर्ष करते आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और साथ ही नगर निगम कोटा दक्षिण के विकास कार्यों के मामले में भी इनसे जानेंगे, निगम की जो कार्य शैली है उससे भी उसके बारे में भी इनसे विस्तार से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं विवेक राजवंशी जी से। विवेक जी, पहले जो एक बोर्ड की बैठक में ये तय हो जाता था कि सभी वार्डों को बराबर बराबर हिस्से में बजट मिलना चाहिए विकास का, आपका जो बोर्ड है ये वर्तमान में इसमें क्या इस तरह का वितरण हुआ कि सभी वार्डों में इतना बजट से विकास कार्य हो? देखो, ये जो चीज़ है सभी वार्डों में समान कार्यों में, इसका तो मैं पक्षधर नहीं हूँ। ऐसा संभव नहीं है कि भाई सभी वार्डों में बराबर काम हो, पहली बात तो। दूसरी बात, ये कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें नगर निगम का एरिया ही नहीं है, वो UIT का क्षेत्र है या हाउसिंग बोर्ड का क्षेत्र है, तो उस वार्ड में तो नगर निगम भी काम कराएगी तो दूसरा डिपार्टमेंट काम कराने वाला है। लेकिन जो वार्ड 100% नगर निगम क्षेत्र के हैं या किसी वार्ड में काम ज़्यादा है कम जो है, तो 200 विधानसभा में भी बराबर काम नहीं होते, लोकसभा में बराबर काम नहीं होते हैं, पाँच उंगली भगवान ने बराबर नहीं दी है। तो मेरा ऐसा मानना है आवश्यकता कार्य की जो बेसिक नीड है आदमी की, वहाँ कहाँ ज़्यादा है, पहले प्रायोरिटी पे वो काम होना चाहिए, वो तय करना चाहिए बैठ कर के, मेरा ऐसा मानना है। विवेक जी, आप लंबे समय से आपका इसी क्षेत्र में अनुभव रहा है, आपको किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ाया जाए, आप और एक नाम हो रहे गोपाल मंडा जी, ये दोनों ऐसे नाम हैं जो किसी भी वार्ड में जनता पुकारती है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, तो किस तरह की आपकी कार्यशैली होती है जो जनता मतलब अन्य वार्डों के भी आपके आपको मतलब चाहती है, ये कैसा स्नेह है आपका जनता के प्रति? अब ये तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हम 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं नगर निगम क्षेत्र में। मंडा जी और मैं जी, सुबह उठने से लेकर सोने तक नगर निगम और पब्लिक के काम के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं। आजीविका साधन मेरा जो है, आज की तारीख में मेरा बड़ा भाई है, साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, परिवार भाई चलाता है, मेरे को क्षेत्र में छोड़ा हुआ है क्षेत्र में राजनीति करने की, ये मंडा जी की स्थिति है, गाँव में जमीन है जी। तो जनता के बीच में रहकर जनता ही काम करते हैं, किसी के वार्ड में मौत हो जाकर रिसेप्शन बनाना, घर पहुँचाना, जन्म जन्म प्रमाण पत्र पहुँचाना, डेथ में दाग में जाना, सुख दुख में आदमी के लिए खड़े रहना जी। ये मतलब उस व्यक्ति को ये फील होना चाहिए कि मेरे परिवार का आदमी नेता नहीं है हमारे बीच में, और हमेशा आप कितने बड़े बन जाओ राजनीति में, आपको आज ये सीख हमारे को हमारे लोकसभा अध्यक्ष बिरला से लेनी चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आदमी को। और सबसे पहली बड़ी चीज़ जो है, जो समाज में अंतिम व्यक्ति पे व्यक्ति खड़ा है उसके लिए कार्य करना, उसको कैसे उठाया जाए, समाज में सामाजिक कार्य कैसे की जाए। आपने कोरोना काल में देखा होगा मैंने 37 कैंप लगाए थे, और मैंने एक अस्थि संचय केंद्र भी बनाया था गुरु नानक सामुदायिक भवन में, जब लोग अस्थियों को विसर्जित करने हरिद्वार या कहीं जा नहीं पा रहे थे और उनके पास जो अपने मुक्ति धामों में रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने वो भी बनाया था। तो वहाँ लोगों ने बहुत विरोध किया, मोहल्ले वालों ने कि साहब यहाँ कोरोना फैल जाएगा, लेकिन उनको भी हमने समझाया कि भाई कोरोना पहले हमारे को होगा आपको बाद में होगा। तो ठीक है, आप सोशल वर्क में भी आपको रहना चाहिए हमेशा, हम हर काम वोट लेने के लिए नहीं किए जाते। वैसी त्रासदी थी, 100 साल बाद आई थी दुनिया में, और उससे निकल के मोदी जी ने वैक्सीन की व्यवस्था की, स्वदेशी वैक्सीन बनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जी। और मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप अभियान चला करके 140 करोड़ लोगों के जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जीवन बचाया। विवेक जी, कई बार निगम में ये देखा जाता है कि न तो खेल सामग्री वार्डों को वार्ड पार्षदों को दी जा रही, और इसमें क्या समस्याएं सामने आती, पहले वो लैपटॉप देने की भी एक ऐसी योजना आई थी, क्या कारण है कि बीच बीच में ऐसी ये गतिविधियां रुक जाती है? क्या होता है, बोर्ड में निर्णय हुआ लैपटॉप लेने का, सभी पार्षदों की राय थी तो हमारी भी उसमें सहमति थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लैपटॉप लेने में अगर हम सक्षम है खुद,
जनता के लिए खेल सामग्री हम जनता के लिए मांगते हैं, जनता को देनी पड़ती है खेल सामग्री। लैपटॉप हम स्वयं के लिए मांग रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, सभी पार्षद की राय थी तो हम भी सहमत थे उस राय से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है निजी रूप से हम यहाँ आते हुए सेवा करने आए, तो लैपटॉप हमें हमारे लिए नहीं मांगना चाहिए, जनता के लिए चीज़ों को मांगना चाहिए, खेल सामग्री मिलनी चाहिए। मैं हमेशा उसका पक्षधर रहा हूँ और जनता के बीच बटनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए खिलाड़ियों को। बताऊँ मैं आपको विवेक जी, आप प्रतिपक्ष नेता हैं और आपको बहुत बड़ी पार्टी ने जिम्मेदारी भी दी है, तो आप दक्षिण क्षेत्र का किस तरह सुनियोजित विकास की आपके मन में एक आस है? दक्षिण विधानसभा में या दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में हमारे कल्पना देवी जी का एरिया भी आता है, मदन दिलावर जी आज शिक्षा मंत्री उनका एरिया भी आता है, संदीप जी शर्मा तीसरी बार विधायक हैं और हमारे सांसद लोकसभा अध्यक्ष हैं। हम चारों पांचों बैठ कर चिंतन करेंगे उस विषय में क्या विकास करना है, जो बेसिक नीड है लोगों की। सौंदर्यीकरण सेकेंड विषय होगा हमारा, प्रथम हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो बेसिक नीड है लोगों को, बिजली पानी मुहैया हो लोगों को, जो सरकारी स्कूलों में लोग बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, जो अभाव में जी रहे लोग उनकी पहले जीवन यापन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री योजना मुख्यमंत्री योजना में जो आवास मिल रहे हैं उनकी व्यवस्था गरीब को मिले। विवेक जी, प्रतिपक्ष नेता के नाते कोटा दक्षिण जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, उसके लिए आप क्या, आपके पास क्या योजना है आगामी? मैं आपको बताऊं, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में कोटा बहुत पिछड़ गया, दक्षिण भी और उत्तर भी जी। उसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस बोर्ड जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, बताऊँ राष्ट्र सरकार की। मैंने कई बार इनको कहा कि भाई आपने डोर टू डोर कचरा पिछले बोर्ड में हमने चालू किया बीजेपी के बोर्ड में, अब कचरा पत्रकरण की प्रक्रिया भी चालू हो, उसके लिए अपन कोई एक वार्ड दो वार्ड या एक कॉलोनी दो कॉलोनी जो पॉश कॉलोनी है जैसे इंदिरा विहार है, बल्लभ नगर है, प्रैक्टिकल रूप में चालू करें उसको अपन एक बार। तो कोई करना नहीं चाहता अधिकारी, या अधिकारी बच्चे पढ़ाने के लिए आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं कोटा में, मेरा ऐसा मानना है। जो कोटा के अधिकारी हैं, जो कोटा के रहने वाले, ऐसे अधिकारी को लगाना चाहिए जो कोटा के लोगों में रहना चाहते हैं और यहाँ का विकास चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। विवेक जी, तो अभी जो मीटिंग वगैरह चल रही है कि शहर में सफाई व्यवस्था के लिए एक अलग ही अलग जगाना चाहिए, इस तरह की निगम में बैठक भी आयोजित की गई, सभी संस्था उसमें जुड़ी, तो इसका उद्देश्य क्या मान रहे हैं आप? मैंने उस बैठक में भी ये कहा था, उप महापौर जी ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में मेरा कहना सिर्फ फोटो खिंचाने की का सिस्टम बन के नहीं रह जाए। अक्सर ये देखने में आया है कि जो अभियान सफाई के चलते हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने का अभियान, और पहले एक दिन पहले वह गंदगी पटक झाड़ू पत लगाओ और दूसरी जगह झाड़ू लगाए सफाई कर दी और फोटो खिंचा के सब अपनी अपनी चीज़ समझ लेते हैं। जब तक मेरा ऐसा मानना है कि हम भी, तो मेरी भी कह रहा हूँ बताऊँ मैं आपको, उन चीज़ों से बचना चाहिए हमारे को। ठीक है, प्रचार प्रसार होता है, मीडिया में जाता है तो लोगों में अवेयरनेस आती है, हम भी मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ के लिए सफाई के लिए बेहतर करो, शहर गंदा ही नहीं होगा, साफ सफाई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जब घर घर कचरा का संगठन की गाड़ी चालू कर दी, उसका कचरा पॉइंट पर कचरा कहाँ से आ रहा है? आप आज भी कचरा पॉइंट पर कचरा आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। पब्लिक अवेयर हो, हमारे वार्ड में जैसे सुबह 7 बजे गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, घर उठाने के लिए 11-12 बजे चलती है, अब कहीं 7 बजे जाएगा कहीं 8 बजे जाएगा, ये तो ये नहीं सोचा कि 8 बजे पहुँच जाए 9 बजे पहुँच जाए। अब कोई महिला 8 बजे उठती है तो 7 बजे कचरा नहीं डाल पाती गाड़ी में, तो वो फिर डेरे वाला आता सुबह कचरा देती है, डेरे वाले कचरा पॉइंट कचरा डाल देती है। तो जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, सरकारी कितनी व्यवस्थाएं आप कर लो, कितने श्रमिक लगा लो, आप पूर्ण से सफल नहीं होंगे। आप इंदौर में जाकर देखो, आप ठेले वाला भी टोक देता है, आप मूँगफली लोगे तो पूछता कहाँ खाओगे, खाली पीले साथ रखो छिलके से डालना। जब तक ये अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं आएगी, लोगों में नहीं आएगी, तब तक शहर को साफ करना नामुमकिन है। आप 1000 की जगह 10000 कर्मचारी लगा दो, मैं तो नहीं मानता कि पब्लिक अवेयरनेस होना संभव। विवेक जी, जैसे गौशाला का भी कई बार विषय आता है, गौशाला वास्तव में क्या है इसकी स्थिति, जो अपन बंदा धर्मशाला गौशाला की बात कर रहे हैं, क्या मतलब आप भी जाते होंगे, आपने भी कई बार वहाँ किया होगा कि वास्तु की स्थिति क्या है और किस तरह मतलब समस्या का समाधान देकर क्या मानते हैं? बंदा धर्मपुरा गौशाला की कैपेसिटी 2000 गायों की थी मैं आपको, और शहर में हम गाय पकड़ के, पहले गाय छोड़ने का शुल्क 300-500 रुपये होता था, तो हम जब गाय पकड़ के लाते थे या सांड पकड़ के लाते थे तो 300 रुपये देकर भी छोड़ा जाता था उसको, फिर हमने उसका शुल्क बढ़ा के 5600 रुपये कर दिया।
जिससे आदमी कभी एक बार गाय छोड़ा नहीं आएगा तो दोबारा छोड़ेगा नहीं, उसको बांध के रखेगा। लेकिन क्या स्थिति होती है, अब हमारे पास कैपेसिटी 2000 गाय रखने की है, इससे ज़्यादा गाय हम पकड़ के वहाँ रखेंगे तो फिर जो कमज़ोर गाय होती है उनके दबाव से वो मरती है। तो अब जमीन हमारे को मिली, बहुत समय ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन नहीं मिल रही थी हमारे को, ज़मीन अब मिली है और हमने बजट भी इसका बढ़ा के डबल किया, जो 8 करोड़ बजट था गौशाला का उसको हमने बढ़ा के पिछले बजट में 16 करोड़ किया, बताऊँ मैं आपको। इसीलिए गायों के विषय में हम राजनीति नहीं करेंगे, गायों के क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्म हैं और हम गायों के सिर्फ राजनीति नहीं करेंगे, गायों को काम करके बताएंगे। मैंने महापौर जी को भी कहा, महापौर जी भी हनुमान भक्त हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आप बजट में आप जितना बजट चाहो उसके लिए पहले सबसे पहले गौशाला के लिए रखना है, जो हमारे बजट की चर्चा हुई पिछली बार और मैंने बढ़ा के 16 करोड़ उसको करवाया। मैंने कहा था मेरा निवेदन है गायों को बढ़ाओ आप, और आने वाले समय में आप साल भर बाद 1.5 साल बाद देखेंगे। वैसे तो मेरा माना देवनारायण योजना मंत्री जी ने बनाई थी, वो योजना फेल हो गई मेरा ऐसा मानना है। आज भी आवारा पशु जो है शहरों पे सड़कों पर मर, आज भी जस की तस स्थिति है शहर में, लोग गायों सांडों से एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, कुत्ते काटने की ऐसी स्थिति है कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। जी। बंदर पकड़ने वाला बंदर नहीं पकड़ रहा, कुत्ता पकड़ने वाला कुत्ता पकड़ना बंद कर दिया, उसका भुगतान नहीं हो रहा, मतलब क्या स्थिति है अधिकारियों पर, न तो कोई अंकुश है प्रशासनिक अधिकारियों पर। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधियों से कि सब जनप्रतिनिधि एक होकर के समस्या के लिए लड़े हैं। बिल्कुल सर, शहर की समस्या वही समस्या जनता की समस्या है, उस समस्या का समाधान सबको मिलकर सोचना चाहिए क्या करना है। हम इस तरह से ऊपर उठें कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, कुछ विषयों पे आपको साथ आना पड़ेगा, आपको अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा, बुरे को बुरा कहना पड़ेगा राजनीति में। जब तक आप कितने अच्छा काम उसको बुरा कहोगे आप, तो आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा दुनिया में। जनता सब समझती है, आजकल सब सोशल मीडिया चलाते हैं, सब जानती है, जनता सब समझती है। ये विवेक जी, जैसे ये कचरा संग्रहण केंद्र है ये अपने नए शहर में है, तो कई बार यहाँ ताले नहीं खुलते, क्या मतलब इनका संवेदनों का भुगतान नहीं होता, क्या मतलब ये परंपरा नगर निगम ने बना रखी है वर्तमान में? ये कचरा कलेक्शन पॉइंट बनाए हुए हमारे एक देश की धरती के पास में एक साझी देड़ा में बना हुआ है जी। कुछ कॉन्ट्रेक्टर क्या है पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, अधिकार में दबाव बना के रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। 2-4 बार हमने भी देखा कि उसने जो लेबर का भुगतान नहीं किया, लेबर ने काम करना बंद कर दिया, गाड़ी भी लाई, गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी वाले हमें फ़ोन करते हैं, पब्लिक हमें फ़ोन करती है गाड़ी नहीं आई, तो मतलब वो कॉन्ट्रेक्टर हमें इतने प्रेशर में ले आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि उस कॉन्ट्रेक्टर के लिए हम यहाँ पार्षद बन गया है। तो इसमें इनको पनिशमेंट बड़ा होना चाहिए और नो डाउट कि संवेदक को पेमेंट भुगतान टाइम से होना चाहिए। अब क्या होता है टेंडर में निविदा में शर्त लगा देते हैं कि भाई ठेकेदार को 7 तारीख तक बिल सबमिट करना पड़ेगा, आपने ठेकेदार को पाबंद कर दिया, आप कितने दिन भुगतान करोगे, आप भी तो पाबंद हो, उसने बिल लगा दिया तो आप 3 महीने उसका भुगतान नहीं कर रहे, फाइल लेके बैठे हो। तो ये अधिकारियों पर यह अंकुश होना जरूरी है। आपका क्या इंटरेस्ट है भाई, आप फाइल क्यों रोक के बैठे, आपको आपत्ति है कोई ऑब्जेक्शन है फाइल पे लिख के भेजो, उसका समाधान होगा। फाइल रोकना नहीं चाहिए, फाइल रोके आप, मैं कितनी फाइलें बता दूं नगर निगम में, आपको भुगतान की फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती है। अभी नरेगा का भुगतान 5 महीने से नहीं हुआ लेबर का, लेबर मेरा चक्कर काटती है। अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्ड का मामला आया था, आपने भी उसको मामले को उठाया था, किस तरह रिकॉर्ड की व्यवस्था? बिल्कुल प्रमुखता से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नगर निगम में 8-10 दलाल ऐसे हो गए जिनका मतलब इतना कब्जा हो गया कि जैसे आपने आवेदन किया नाम ट्रांसफर के लिए सेल परमिशन के लिए, उनको पता लग जाता है, वो रिकॉर्ड में जाके उसकी मूल फाइल गायब कर देते हैं, आपको मूल फाइल नहीं मिलेगी तो पत्रावली आगे बढ़ती नहीं है, उसकी फिर घूमने की प्रतिक्रिया बहुत लंबी है, फिर वो दलाल किसी माध्यम से उसको पकड़ता है, उससे बार्गेनिंग करता है, पैसे लेता है। तो मैं ये कई बार कह चुका, मैं चिट्ठी भी लिखी इस बारे में 5 महीने पहले कि मुझे 3 महीने की रिकॉर्ड रूम की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए कि रिकॉर्ड रूम के अंदर कौन व्यक्ति आता है, अवांछित व्यक्ति रिकॉर्ड रूम बहुत इंपॉर्टेंट जगह, बताओ वहाँ कैमरे क्यों लगाया आपने, अवांछित आदमी नहीं आए, वहाँ दलाल घूमते रहते हैं, फाइल गायब कर देते हैं। इसलिए मैंने एक दिन छापा भी डाला था, लेकिन उस पर कोई मतलब ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिस पर आगे किसी को सबक मिले। ये थे विवेक राजवंशी जी, नगर निगम दक्षिण कोटा के प्रतिपक्ष नेता, इन्होंने शहर कोटा दक्षिण में जो विकास कार्य और विकास कार्य में अड़चन और साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी की जो हारूपन है उसके बारे में आप तक पहुँचाया, आप तक बात की, ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।